स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर सत्येंद्र सर के साथ आज आपके सामने एडवर्टीजमेंट की वीडियो लेके आया हूँ। बच्चों ने कमेंट में लिखा था, मेरे को मैसेज भी करते हैं और कहते हैं कि सर इस चीज़ की वीडियो बनाइए, इस चीज़ की वीडियो बनाइए सब्जेक्ट की टॉपिक की। तो बच्चों मैं टाइम टू टाइम बना रहा हूँ जितना मेरे से हो सक रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ, हम मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं जितना इजी बना सकता हूँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैं जो भी मेरे टॉपिक हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ उसको मैं बहुत इजी बनाने की कोशिश करता हूँ और बनती भी हैं। तो आज भी मैं हर बार की तरह दो टॉपिक आपके सामने लाया हूँ, लॉस्ट एंड फाउंड की जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसको मैं बना के लाया हूँ, और जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी बना के लाया हूँ। आप देखेंगे आपको पता चलेगा। बच्चों जैसा कि आपको पता है, पहले हम थोड़ा सा बात एडवर्टीज़मेंट पे कर ले, क्योंकि मेरे लिए मैं आपको बता दूँ एडवर्टीज़मेंट के बारे में। एडवर्टीज़मेंट क्या है? एडवर्टीज़मेंट एकमात्र ऐसा टॉपिक है आपके 12th में जिसमें ना तो किसी ग्रामेटिकल एरर पे गलतियाँ कटती हैं, सॉरी ग्रामेटिकल एरर करने पे आपके नंबर कटते हैं, यानी कि ग्रामेटिकल आप एरर करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं होती है। एडवर्टीज़मेंट में आप जितना कम लिखोगे और जितने कम शब्दों में अपनी बात को कह सकोगे उतना ही अच्छा होता है। तो बहुत सारी तरह की एडवर्टीज़मेंट होती है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं सेम ही फॉर्मेट पे लॉस्ट एंड फाउंड को समझाऊंगा। फॉर्मेट सेम होगा, कुछ लाइनें चेंज होंगी और आपका सेम का सेम कॉपी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बच्चों चलते हैं आज अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने लिया है लॉस्ट, लॉस्ट के ऊपर मैंने लिया है। तो जब भी बच्चों आप करोगे तो एडवर्टीजमेंट में आपको पहले ही बता चुका हूँ दो ही चीज़ें मेन होती हैं, एक तो टाइटल जो मैंने यहाँ लिख रखा है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, और उसके बाद उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है उस पर देखना है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ अगर खो जाती है, कोई भी थिंग अगर खो जाती है तो आपने लॉस्ट लिखना है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। यहाँ पे मैंने ये एक्सक्लामेटरी का साइन किया है लॉस्ट के बाद, एक्सक्लामेटरी जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु मार देते हैं, एक्सक्लामेटरी साइन होता है ये। तो ये आप लिखोगे क्योंकि चौंकने के सेंस में होता है, मेरी कोई चीज़ खो गई चौंकने के सेंस में होता है, खुश होने के सेंस में होता है, यहाँ पे हमने चौंकने के सेंस में किया है। आप स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लॉस्ट। यहाँ मैंने कोई एडवर्टीजमेंट का वो नहीं है, मैंने बस फॉर्मेट रखा, किसी भी तरह का लॉस्ट का कोई भी फॉर्मेट हो, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लॉस्ट, उसके बाद आप लॉस्ट के बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, जो भी वस्तु जो भी थिंग खोई है आपको उसके बाद लिख देनी है, जैसे लॉस्ट अ ब्रीफ केस, लॉस्ट माई पर्स, लॉस्ट माई फोन या लॉस्ट अ फोन, ठीक है। उसके बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो कैसा है दिखने में, इसमें आप कोई बच्चा भी खो जाता है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें उसका आप कलर कॉम्प्लेक्शन बता देंगे, और अगर ब्रीफ केस को है तो आप उसका कलर बता देंगे, ब्लैक कलर का है, कंपनी का नाम बता दिया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ खोई तो किसी डेट को खोई होगी ना, किसी दिन को खोई होगी, तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑन, ऑन के बाद डे। या ऑन और डे से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, बच्चों ऑन के बाद आपका हमेशा डे या डेट आता है। ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, आपके एडिटिंग में आ जाता है ये, और ओमिटिंग में भी आ जाता है, ओमिशन में, कि ऑन के बाद डे या डेट आना होता है, तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑन के बाद हमेशा क्या आता है, डे आता है। आप यहाँ लिख देंगे लॉस्ट अब रेड कलर ब्रीफ केस ऑफ VIP ऑन संडे, टाइम लिख देंगे 2 बजे के आसपास, अराउंड 2 o'clock, और आप प्लेस बता देंगे किस जगह पे खोया है। लाइक अगर आप दिल्ली में रहते तो आप बोल सकते हैं DC में खोया है, ठीक है, रोहिणी के आसपास खोया है, किसी मॉल के आसपास खोया है। और फिर यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है ड्यूरेशन, आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं थोड़ा, और अगर एक्सप्लेन करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है, टाइम और ड्यूरेशन बात एक ही है, ठीक है। इतना आपने लिख दिया, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे फाइंडर विल बी रिवार्डेड, कि जिस किसी को भी ये मिलेगा अगर वो वापस करता है तो उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि ये तो लिखना ज़रूरी है वरना कोई देगा क्यों। उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट
अंडरसाइंड यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, कोई अपनी अपने क्वेश्चन के आंसर में प्लस ना लगाए, मैंने बस बताया, इसके बाद ही आता है अंडरसाइंड के बाद आप यहाँ पे नंबर लिख देंगे, ये नंबर आप जो भी आपका मन करे लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे ही बना दिया है कि 9876543200 और ब्रैकेट में मैंने नाम लिख दिया, आपने ही नाम लिख दिया, लेकिन वहाँ पे आपको पेपर में जो नाम आएगा वो लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मेट पे। जो हमारा अगला फॉर्मेट है फाउंड, मैंने आपको कहा था एक ही फॉर्मेट से मैं दोनों चीज़ आपको कराऊंगा, एक ही फॉर्मेट से मैं आपको कोशिश करूंगा हर एडवर्टीजमेंट के लिए मैं सिर्फ एक फॉर्मेट आपको दूं और उससे आपकी दूसरी एडवर्टीजमेंट अपने आप कंप्लीट हो जाए। अब मेरा टॉपिक है फाउंड। क्या जैसे मान लो कि आपको कोई चीज़ पा गई, ठीक है, और आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को दिक्कत हो रही होगी तो आपका मन कर रहा है इसे वापस करने का, तो आप कैसे एडवर्टीजमेंट लिखेंगे? तो वही वाली बात है, फाउंड फाउंड फाउंड, और उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे क्या, एक्सक्लामेटरी का साइन। एक्सक्लामेटरी का साइन ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्टिंग करेंगे फाउंड से, उसके बाद आर्टिकल, जैसा कि मैंने अपनी लॉस्ट वाले फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, फाउंड के बाद आर्टिकल, आर्टिकल जो भी आपका ब्रीफ केस आपको पाया है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दोगे किस कलर का है, किस कंपनी का है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ऑन डे, वही वाली बात है जो मैंने कहा था, ऑन के साथ हमेशा डे और डेट आता है, जिस दिन पाया है, जिस दिन मिला है, और फिर टाइम आएगा अराउंड 2:30, अराउंड 4 o'clock, फिर प्लेस आएगा और ड्यूरेशन, यहाँ पे आप अगर ना लिखना चाहे तो ना लिखिए, इतने से काम हो जाएगा। फिर ऊपर जो लाइन थी जो मैंने ऊपर लिखा था, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था फाइंडर, फाइंडर विल बी रिवार्डेड, मैंने बस इस लाइन को चेंज कर दिया है, बाकी सारा ऊपर सेम है, आप देख सकते हैं जो ऊपर था वही नीचे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब चीज़ ये जो मेरे को कोई भी चीज़ अगर कोई भी थिंग अगर मेरे को पाई है, कोई भी चीज़ अगर मेरे को मिली है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई मेरे से मांगने आ गया कि ये उसकी है या नहीं है? तो आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है ऑनर। आप बोलोगे ना कि भाई अगर ये चीज़ आपकी, तो आपको प्रूफ लेके आना पड़ेगा और आप मेरे को दिखाएंगे, फिर आप ही ले जा सकते हैं। ऑनर मे कलेक्ट, ऑनर कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, आफ्टर गिवन अ पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन, कि इसके रिगार्डिंग कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन दिखा करके, लाइक अगर ब्रीफ केस है तो आप कीज लेके आ सकते हैं या समथिंग, उसके अगर आपने कोई फ़ोन है तो आप उसका बिल लेके आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर वही है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और SSS सुधीर सिंह सेंगर, लेकिन आपको वही नाम लिखना है जो वहाँ पर मिलेगा आपको, और टाइम यहाँ पे लिख देंगे 9 AM टू 5 PM, अगर लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट संडे, ठीक है।